वैसे दिन की शुरुआत जब आप माँ के आशीर्वाद के साथ करते हैं ना, तो दिन जो है वो अच्छा जाता है। दिन क्या, पूरा जीवन ही मानो सफल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं शाइनी दोषी के साथ, क्योंकि वो पहुंची है महालक्ष्मी मंदिर लेने माँ का आशीर्वाद। राधा रानी चली महालक्ष्मी के द्वार। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का किरदार निभाने वाली शाइनी दोषी पालघर जिले के दाहणों में विराजने वाली राज राजेश्वरी श्री महालक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए सास बहु और साजिश के साथ पहुंची हैं। जय माता दी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आए हुए हैं यहाँ पर वीवल बेड़े के महालक्ष्मी टेंपल के दर्शन करने के लिए, महालक्ष्मी माता की दर्शन करने के लिए। यूं तो माता महालक्ष्मी पहाड़ पर महाभारत काल से ही विराजमान थीं, किंतु अपनी एक सगर्भा आदिवासी महिला भक्त की दर्शन करने की तीव्र इच्छा का मान रखते हुए माता रानी पहाड़ से नीचे वलवेड़े गाँव में स्वयं आकर विराजमान हुई। तब से मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास ही उनका ये सुंदर मंदिर बसा हुआ है, जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के भक्तों का तांता लगा रहता है। तो इस टेंपल की एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। माता लक्ष्मी कहा जाता है कि हमेशा गढ़ पर बसती है, बट ये माता यहाँ पर विराजे हैं। और एक गर्भवती महिला थी जो चढ़कर माता जी के दर्शन करने के लिए ऊपर गढ़ तक चढ़कर गई थी, और जहाँ पर उसे चक्कर आ गए और वो गिर गए। तो माता जी इतने ज़्यादा भोले हैं, इतने ज़्यादा प्रेमण हैं कि उनको इतना प्यार आया उस पर, और उन्होंने कहा कि तू अब ऊपर नहीं आएगी, मैं नीचे आऊंगी, और माताजी स्वयं यहाँ पर बस गई है। सर्वपित्री अमावस्या के दिन यहाँ आदिवासी मेला भी लगता है, और आसपास के सभी किसान अपने घर में सुख शांति और बरकत के लिए माता महालक्ष्मी को अपने खेत में पैदा हुई नई सब्जी फल और धान चढ़ाकर पूजा करते हैं। ये मंदिर तो पांडव कालीन है, बहुत पुराना है, और यहाँ मान्यता बोले तो यहाँ आजू बाजू के यानी गुजरात, मुंबई, राजस्थान, थाना, महाराष्ट्र के और गुजरात के यहाँ भाविक बहुत यानी दिन में हर दिन में आते हैं। जब भी मंदिर जाती हूँ या मैं घर पर भी पूजा करती हूँ, तो मेरी और भगवान की एक अलग ही कॉन्वर्जेशन चलती रहती है, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें उन्हें बतानी होती है। मांगने से ज़्यादा मैं उनका शुक्रिया अदा करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ। और यहाँ पर भी मैं माता जी से यही कहने आई हूँ कि तेरी मेहर है और तूने ही रखा है, और आगे भी तू ही संभालना। शाइनी ने ना सिर्फ माता महालक्ष्मी के दर्शन किए बल्कि उनकी संध्या आरती में भी हिस्सा लिया।
एक्चुअली जब मैं राधा का किरदार भी निभा रही हूँ और जो मेरा पहला दिन था शूटिंग का, तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा वक्त नहीं लगा माताजी के कैरेक्टर से जुड़ते हुए, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रही थी वो चीज़। बहुत मुश्किल होता है जब आप तो इंसान हो आखिर, और भगवान प्ले करना ऑन स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है और हम जहाँ पर भी हैं वो सब उनकी कृपा से ही है। और कभी ना भूल पाने वाले आह्लादक अनुभव के साथ, नवरात्रि की परिपूर्णता के एहसास के साथ वो मुंबई वापस लौट आईं। दाहणु से निशे मिश्रा और आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।